कि क्या गलती रही है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए, कोई तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है, कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से, तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाए, और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके लोग क्या मंशा पाले हुए हैं इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो इसका बहुत नुकसान होगा समाज को, बिहार को और अंततः देश को भी। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए, और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से वो से दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, तो यह क्या डील है इससे संबंधित, अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है, वरना लोगों के मन में तो कन्फ्यूजन हो रहा है और इस कन्फ्यूजन के चलते नीतीश कुमार जी कमजोर होते रहे, तो यह हम लोग बैठकर आंख मूंद कर देखते नहीं रह सकते हैं। इसलिए आग्रह है आदरणीय नेता नीतीश जी से भी कि आप इस साजिश को समझिए और जल्दी आप हस्तक्षेप कीजिए। सीधे तौर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि एक तो यह भी साजिश है आपके खिलाफ कि कुछ लोग चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको मालूम ही ना हो, तो आपको मालूम नहीं होने देना चाहते हैं, तो यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसलिए आप देखिए और आप सकता हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है, निवेदन है, डिमांड है हमारा, इन चीजों पर बात करने के लिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन करने के लिए आप एक बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लीजिए, जल्दी से जल्दी अविलंब बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीजों का डिस्कशन कीजिए ताकि पार्टी अधिक से अधिक आगे आने वाले दिनों में मजबूती से चल सके, और तभी वास्तव में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल दिन आ सकता है। यही कहते हुए फिर से मैं एक बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन